गलन भरी ठंड के साथ साथ कोहरे ने भी अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से हादसे होने शुरू हो गए हैं। जालौन में कोंच कोतवाली क्षेत्र के तीतरा खलीलपुर रोड पर कोहरे की वजह से आज एक ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें दबकर दो किसानों की मौत हो गई है। दोनों किसान फसल बेचकर घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ है। जब कुछ राहगीर यहां से निकले और ट्रैक्टर पलटा देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी और खुद भी ट्रैक्टर के नीचे दबे लोगों को निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पिताजी थे, फलिया बेच के आ रहे थे। कहां से आए थे? कोंच से। तो आपको इस घटना की सूचना आपको कब पड़ी? सुबह। अलोना और कुंवरपुरा के बीच में बताया गया कि एक ट्रैक्टर पलट गया है, जिसमें दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। उसमें एक व्यक्ति का नाम सुरेंद्र और दूसरे का नाम रामबाबू है। उनकी पहचान हो गई है। पुलिस जाकर के पंचायतनामा और पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई, जो वैधानिक कार्रवाई करा रही है। ट्रैक्टर के नीचे दबकर जिन दो किसानों की मौत हुई है वह बदहुआ गांव के रहने वाले हैं, जिसमें एक सुरेंद्र सिंह पटेल और दूसरा रामबाबू कुशवाहा है। इस घटना से मृतकों के घर में कोहरा मचा हुआ है और इलाके के लोग सदमे में हैं। जालौन से शैलेंद्र पटेरिया, न्यूज 75।